वेलकम टू बॉलीवुड फ्लेवर। और आज हम रिव्यू करेंगे कुली नंबर वन, स्टारिंग वरुण धवन, सारा अली खान, जावेद जाफरी, परेश रावल। लालू जी, कैसी लगी आपको कुली नंबर वन 2020? वरुण धवन की कुली नंबर वन, मुझे इस पिक्चर में तीन बातें अच्छी लगी हैं। एक तो ये कि राजपाल यादव के हाथ में दो ग्लासेस दिए गए, काला खट्टा सॉर्ट ऑफ यू नो कुछ सिरप है कि कुछ है, वो ले आता है और जैसे आगे बढ़ता है तो वो किसी ने मतलब उसके मुंह पे काला सा यू नो लाइक सिरप और समथिंग यू नो फेंक दिया। अभी ये बेचारा मतलब यू नो सॉर्ट ऑफ गाड़ी में जो बैठे हुए हैं लोग, उनको उनकी तरफ जाता है और उनसे कुछ बात करना चाहता है, तो इन द मीन टाइम गाड़ी चलने लगी और ये कुछ कर नहीं सकता, और यहाँ तक कि वो खुद लेट गया मतलब बोनेट के ऊपर और आगे चल के उसको समुंदर में फेंका गया। तो ये दिस सीन वॉज यू नो लाइक कॉमेडी, यू नो आई लव दिस सीन। अच्छा, फिर दूसरी बात जो मुझे अच्छी लगी वो है परेश रावल का डायलॉग। तो वरुण धवन को वो ढूंढना चाहते हैं और कहते हैं कि भाई मैं भी चलता हूँ ढूंढने, तो कहा कि नहीं 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 हम ढूंढ के लाएंगे, तो कहता है कि भाई द फैमिली दैट ढूंढोस टुगेदर लिव्स टुगेदर। ये भी मुझे अच्छा लगा। और तीसरी बात मुझे जो अच्छी लगी इस पिक्चर में कुली नंबर वन वरुण धवन की पिक्चर, तो वो है जब वरुण धवन कहता है सारा अली खान से कि तुम मेरा विश्वास करो, तो कहती है कि मैं किस बात पे विश्वास करूं, राजू, कूली या फिर नर्स। तीनों बातें मुझे अच्छी लगी। कूली नंबर वन ओरिजिनल मूवी स्टारिंग गोविंदा एंड करिश्मा कपूर वॉज अ ब्लॉकबस्टर। सेम डायरेक्टर डेविड धवन। ये मूवी में स्टार कास्ट है, जैसे हमने बताया, वरुण धवन और सारा अली खान। वरुण धवन जो एक्टिंग करते हैं इस टोटली ओवर एक्टिंग। वरुण धवन एज ए एक्टर नेचुरल एक्टिंग में वो बहुत बढ़िया है, पर जब वो किसी की कॉपी करते हैं ही इज़ अ फेलियर। तो मैं सजेस्ट करूँगा ही शुड डू इज नेचुरल एक्टिंग, लाइक बदलापुर में जैसे उन्होंने एक्टिंग की थी, उनकी एक्टिंग वॉज अ क्लास। बट दिस मूवी इज ट्राइंग टू इंटीमेट मिथुन चक्रवर्ती, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, गोविंदा, सबको कॉपी करता है, बट एक्टिंग वाइज दिस मूवी वेन ही कॉपीज ही इज़ अ फेलियर। गोविंदा के नज़दीक भी नहीं आती है उसकी एक्टिंग, और इज जस्ट एन ओवर एक्टर। और हम बात करेंगे सारा अली खान। सारा अली खान इज टोटल वेस्टेज इन द मूवी। उनकी जो एक्टिंग है वो ज़रा भी यानी मुकाबले नहीं है करिश्मा कपूर की। शी ट्राइज टू कॉपी, बट आई सजेस्ट दैट सारा अली खान शुड गो टू एन एक्टिंग स्कूल, शी शुड लर्न सम एक्टिंग, और फिर उनको आना चाहिए एक्टिंग करने के लिए। आई टोटली एग्री विथ यू एडमिन, एंड हम कंपेयर नहीं कर सकते गोविंदा की मूवी कहाँ और ये कहाँ। करिश्मा कपूर की जो नज़ाकत, जो मासूमियत है वो कहीं नहीं दिख रही, और गोविंदा, ओ माय गॉड, क्या आप क्या बनाना क्या चाहते हो आप। ये तो अच्छा हुआ कि ये थिएटर में नहीं रिलीज हुई, ये OTT प्लेटफॉर्म पे घर में बैठ के फ्री में लोग देख सकते हैं। अगर थिएटर में होती ना तो आई स्वेयर ये लोग ना उठ उठ के पर्दे पे जूते मार देते इनके। क्या बनाना क्या चाहते हो आप। यू नो व्हाट लालू जी, मुझे लगता है कि जो भी रीमेक मूवी बनाता है ना तो उन पर तो केस ठोक देना चाहिए कि रीमेक मूवी बना कैसे सकते हो आप लोग। डायरेक्टर वॉज द सेम, प्रोड्यूसर वाशु बगनानी ने भी, वो ओरिजिनल मूवी वॉज प्रोड्यूसर वॉज वाशु बगनानी, इसमें भी है वाशु बगनानी, बट इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी फ्रेम में डेविड धवन प्रेजेंट होगा एज अ डायरेक्टर। इट इज़ द टोटल फेलियर एज अ डायरेक्टर। डायरेक्शन इज टोटल वर्स्ट, मीन्स उसका डायरेक्शन टोटली कहीं पर भी आपको दिखता नहीं कि डेविड धवन की मूवी है ये। मतलब कॉपी किया, एक एक एंगल को कॉपी करने गए, बट कोई भी स्टार इज नॉट मैचिंग। परेश रावल सुपर स्टार, राजपाल यादव टेरिफिक एक्टर, जॉनी लिवर कॉमेडी सीन्स गुड, परेश रावल इज ऑल्सो ट्राइंग टू ओवर एक्ट, कादर खान के ज़रा भी नज़दीक नहीं आते, राजपाल यादव तोतले बोलने की कोशिश करते हैं, शक्ति कपूर के 1% भी नहीं है, सेम कॉपी करने जाते हैं, सो दीज ऑल एक्टर्स आर वेस्टेड इन द मूवी। अरे आप कम से कम, आप कॉपी कर रहे हो तो कॉपी तो कम से कम ढंग का कर लेते। ये
गुड्डू जी, ये जो आपने कहा रीमेक वाली जो बात आपने छेड़ी जी, तो मैं एक प्यार भरी सजेशन देना चाहता हूँ कि डिक्शनरी इज़ फुल विथ लैक्स ऑफ वर्ड्स, यू नो। हाँ, अभी कोई भी टाइटल आप रखें पिक्चर की तो फ्रेश टाइटल रखिए। जैसे टू एग्जांपल्स आई कैन गिव यू, यू नो, वन पिक्चर इज़ करण जौहर की पिक्चर बन रही है जुग जुग जियो, ठीक है। नीतू कपूर कमिंग बैक, नीतू कपूर इज़ कमिंग बैक टू फिल्म्स, राइट, एंड द टाइटल ऑफ द पिक्चर जुग जुग जियो। दोनों बातों से मुझे इतनी खुशबू आती है ना। दूसरी कौन सी है? यस, सुनिए तो सही, यू नो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द पिक्चर्स रिलीज, लाइक यू नो। अच्छा, दूसरी पिक्चर है केदारनाथ डायरेक्टर अभिषेक कपूर की पिक्चर है चंडीगढ़ करे आशिकी। okay. उसमें क्या है कि आयुष्मान खुराना और वाणी कपूर स्टार कास्ट है और अच्छी खासी मतलब लव स्टोरी बताई जाती है, तो इस टाइटल से भी मुझे खुशबू आने लगती है। तो व्हाई नॉट चूज़ सच फ्रेश टाइटल्स, लाइक यू नो, अनसेंड। अच्छा, फिर दूसरी एक प्यार भरी मैं सजेशन देना चाहता हूँ कि हर एक पिक्चर में एक बारिश का गाना होना ज़रूरी है। एंड वरुण धवन की अगर मैं बात करूँ तो ही इज़ मार्वलस, ही इज़ एक्सेलेंट इन इमोशनल सीन्स। यस, इमोशनल सीन्स का पिक्चर में आना ज़रूरी है कि जैसे कहा जाता है कि भाई इमोशनल सीन्स देखते देखते औरतें अगर रो पड़े ना तो डिस्ट्रीब्यूटर्स जाते हैं बैंक में, हंसते हंसते बैंक में जाते हैं पैसा जमा करने के लिए। तो जस्ट प्लीज़ इस काइंड यू नो लाइक सजेशन कि भाई कुछ ना कुछ मतलब ऐसी बातें भी होनी चाहिए आपकी पिक्चर में। तो जैसे गाइस हमने बताया, जैसे मेरा कहना है, इनका भी कहना है, जैसे भी कहना है, ओरिजिनल है, आप ओरिजिनल को टक्कर नहीं दे सकते। और दूसरी बात, जैसे दैट वाज अ आई वुड कॉल वो पिक्चर एक बिरयानी थी, दम बिरयानी, तो ये एक मसाला खिचड़ी बनाने गए जो भी विच इज़ नॉट वर्थ ऑफ इट, खिचड़ी भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, उल्टा की ये पूरी खिचड़ी बन गई एक पिक्चर की जो लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया। ओवरऑल ये पिक्चर जो है लोगों ने कहीं पे भी अप्रिशिएट नहीं किया, और मुझे पता है कि मेकर्स ने जानबूझकर ये OTT पे लाए, इनको पता था अगर थिएटर में लाएंगे तो टोटल अटर फ्लॉप हो जाएगी, इसीलिए इन्होंने OTT पे लाने का निर्णय कर लिया था, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने पिक्चर तो देखी होगी, क्या पिक्चर बनी है, क्या बना रहे हम लोग, ये तो पता होगा उनको। लालू जी, लॉकडाउन का पीरियड 9 या कितना 12 महीना तो हो गया, 9 महीना हो गया, अरे आप कुछ नया कुछ बना सकते थे, कुछ सोच सकते थे आप। बट एनी वे, एज आई हैव बीन ऑलरेडी, आई मीन एज आई हैव बीन ऑलवेज सेइंग, यू नो, कि एक ही लता मंगेशकर, एक ही यूसुफ खान दिलीप कुमार, एक ही ताजमहल, और एक ही हम आपके हैं कौन, और एक ही कुछ कुछ होता है, इनका यू नो कभी भी कुछ रिपीट रीमेक नहीं हो सकता ना, तो व्हाई नॉट यार, आई मीन गो फॉर द ओरिजिनल। हाँ, टेक अ फ्रेश टाइटल एंड फ्रेश सब्जेक्ट, यू नो, वरना नहीं तो यू नो रिपीट टाइटल जब सुनते हैं लोग तो कहते हैं नहीं यार ये तो देखी हुई है, ये है वगैरह वगैरह, यू नो भाई क्या सेंस बनता है यार, क्या सेंस बनता आप है? एक लेजेंड गोविंदा का एक्टिंग करवा रहे हो वरुण धवन से, जो उसके कहीं पे भी नज़दीक में भी नहीं आता। गोविंदा, डेविड धवन वॉज ओनली बिकॉज ऑफ गोविंदा, जितनी गोविंदा ने उनको हिट पिक्चर दिए, दोनों का पैर वॉज लेजेंडरी, आज भी लोग उसको याद करते, ठीक है। तो हम इतना ही सजेस्ट करते हैं कि आप अगर आपको कुछ बनाना है आप ओरिजिनल बनाइए, नहीं नहीं रीमेक को मत करिए। वन थिंग आई विल टेल यू, गोविंदा सक्सेस, यू नो, इन द सक्सेस ऑफ गोविंदा, डेविड धवन हैज अ very big hand, yeah. So that's what I'm saying, in the success of David Dhawan, Govinda has also played a big role. So guys, हमारा ultimately saying everything I've told you, now I'll give you one word. Coolie number one overall is extremely, extremely weak film with average performances, bad humor and sloppy direction. If Govinda and Karishma Kapoor, I don't know if Karishma Kapoor and Govinda will see this movie, what will they say? And guys, I would just suggest, don't go for Coolie number 1 2020, still go on for watching original Govinda's Coolie number 1. This is my suggestion. You know what, ye, I mean, nahin bol sakte. Yeah, theek hai, Varun Dhawan is a good actor, theek hai, wo apni jaan laga dete hain acting mein.
लेकिन अगर किसी का यू नो रीमेक करना हो, किसी को कॉपी करना हो, तो कोई भी प्रेशर में आ जाएगा यार। वो क्या, वो अपने खुद को, अपने खुद के टैलेंट को संभालेगा या फिर किसी और का जो कॉपी कर रहा है उसको संभालेगा? मिथुन का, मिथुन का इतना बकवास कॉपी किया उसने, अगर मिथुन चक्रवर्ती ने देख लिया तो सोचेगा भैया मैं जिंदगी में ऐसा एक्टिंग मैंने किया कब है। ऐसा उसने आफ्टर इंटरवल मिथुन की कॉपी करने की कोशिश की है। वेरी बैड, वेरी बैड। इतनी खिचड़ी हो गई है ना, ये एक्टर वो एक्टर। मुझे ये नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि OTT पर भी कोई ये पूरी पिक्चर नहीं देख पाएगा। ये आई सजेस्ट, आई थिंक सो के OTT पर भी लोग ये पूरी पिक्चर नहीं देख पाएंगे। जी मैंने तो पूरी पिक्चर देखी विदाउट अ ब्रेक। लालू जी वी हैड टू गिव द रिव्यू, हमको तो देखनी है। हम पब्लिक की बात कर रहे हैं, हाँ हम पब्लिक की बात कर रहे हैं, नहीं देख पाएगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक, और अगर आप कुली नंबर 1 2020 देख रहे हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा आपको मूवी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइज, बाय बाय।